हाय, मैं रश्मि देवर्षी, रश्मि फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ में समोसे की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है, इसमें एक टीस्पून फाइन सूजी, बिल्कुल बारीक सूजी डालनी है। इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा मसाले। पहले इन सभी सूखी चीज को अच्छे से ऐसे मिला लें। इसमें 3 टीस्पून घी डालना है हमें, मोयन के लिए तेल नहीं यूज करना है, घी डालना है इसमें। पहले अच्छे से सभी चीजों को पहले मिला लें पानी डालने से पहले। इस तरह से एक डो बन जाना चाहिए, जैसे हाथ में ले रहे मोयन का, इस तरह से। अब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम एक साथ ना डालें। टाइट डो रेडी करना है इसका, जितना पूरी के लिए करते हैं उस तरह से करना है। एक बात आपने नोटिस करी होगी, मैंने डो में नमक नहीं डाला है। इसमें आप आटा लगाते समय नमक ना डालें, क्योंकि तो नमक से पानी छूटता है, तो उस कारण से समोसे कड़क नहीं रहते हैं। डो में नहीं डालना है नमक। मेरा सीक्रेट यही है इसमें कि इसमें नमक नहीं डालना है डो में। जो मसाला हम बनाएंगे वही इतना चटपटा और अच्छा बनाना है, उसी से इसका स्वाद आता है और ये समोसे अच्छे कड़क रहते हैं। अब इसको कवर करके आप रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमारा समोसे का डो रेडी हो रहा है, उतनी देर में हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून तेल डाल दिया पैन में। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, जो इमाम दस्ते में डालने छोटे वाले जो होता है, जिसमें हम अदरक कूटते हैं। 1/2 टीस्पून सौंफ, पिंच हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। सबसे पहले इसको एक बार दरदरा कूट लें। तेल गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च और बहुत थोड़ा सा अदरक को दरदरा कूट लिया है। इसमें मेरे फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे दरदरा चाहिए इसमें, बड़े टुकड़े हुए दिखे अदरक और हरी मिर्च के। सबसे पहले इसको थोड़ा सा भून लें। ये जो हमने कूटा था मसाला साबुत धनिया सौंफ का, इसको इसमें डाल लें। जैसे सौंफ का धनिया भून गया अच्छे से, यहाँ 1 टीस्पून सूखा पुदीना का पाउडर। गैस को धीमी ही रखें। यहाँ मैंने 6 छोटे आलू उबाल के और उनको इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं, छोटे और बड़े दोनों ही हैं इसमें। इसमें यह है कि पानी जितना कम जाएगा उतने ही समोसे काफी देर तक कड़क रहेंगे। ये बात आपने देखा होगा कि हलवाई क्या हमेशा मसाला बाहर पड़ा रहता है, इसीलिए वो सूखता जाता है और उनके समोसे हमेशा कड़क रहते हैं। तो आलू भी आप पहले से उबाल लें, और जैसे ही उबल जाए तो पानी से फटाफट ही निकाल दें, ये नहीं पानी में ही आलू को पड़े रहने दें। और एक दिन फ्रिज में रख दें तो उसका पानी काफी सारा उड़ जाता है, फिर उसको यूज करें समोसे बनाने में। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, पहले इनको अच्छी तरह से भूनने दें। मसाला जब अच्छे से मिल गया सारा, इसमें 10 से 12 किशमिश, इसको काट लें किशमिश को, जिससे कि जब आप मसाला भर रहे हो तो फटे नहीं हो, तो थोड़े छोटे पीस कर लें किशमिश के। और मसाले को ठंडा होने दें, उसके बाद ही हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। जैसे ही थोड़ा मसाला ठंडा हो जाए, यहाँ 1/2 टीस्पून काला नमक। मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना भी आपको तेज और कम खाना हो। और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नॉर्मल रूटीन वाला नमक जो आप काम लेते हैं। और एक बार अच्छे से और मिला लें इनको, एक बार टेस्ट जरूर कर लें। और ये मिश्रण को पूरा अच्छी तरह से ठंडा होने दें,
गरम में बिल्कुल नहीं भरे। यहाँ मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा काला ही चाहिए, काली मिर्च और पुदीना का टेस्ट का चाहिए, इसलिए मैं नहीं डाल रही। आप डालना चाहें तो इसमें लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। यदि आपको काजू की पसंद हो तो टुकड़े करके आप काजू इसमें डाल सकते हैं। इसको बोल में निकाल लें और ठंडा कर लें, बहुत ठंडा होने दें इसको। चलिए मिश्रण हमारा ये ठंडा हो चुका है, अब हम समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। हमारा डो भी रेडी है, एक बार इसको और अच्छी तरह से मसल लें। बराबर से लोई काटें, जितने भी आपको चाहिए समोसे, जिस भी साइज के बनाने वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। रोटी हमें ओवल शेप में बेलनी है, गोल में नहीं। ये ओवल शेप की हमने रोटी बेल ली है इसकी, इसको बीच में से कट कर दें हाफ कट करके, और बस कॉर्नर में पानी लगाना है, ये नहीं कि पूरे पट्टी में नहीं लगाना हमें। ये समोसे की जो बेली हमने रोटी, सिर्फ कॉर्नर में लगा दें जैसे कि हमारा मसाला बाहर ना निकले। और इसको इस तरह से पहले ट्रायंगल शेप में रेडी कर लें। पहले थोड़ा सा मसाला नीचे भर दें जैसे कि है ना नीचे तक आ जाए मसाला। समोसे का आकार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ा छोटा, जितने भी बड़े बनाना तो बड़े बना लें, छोटे तो छोटे बना लें। ये अच्छे से चिपका के जो पीछे वाला हिस्सा है ये जो हमारा जिसमें ये जॉइंट नहीं है उसको इस तरह से फोल्ड करके और इससे चिपका दें। इस तरह से समोसा रेडी करें। इसी तरह से सारे समोसे हमको रेडी करने हैं। यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, बहुत मीडियम फ्लेम में ही हमें समोसे बनाने हैं, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए आंच। चलिए तेल हमारा ये रेडी है, एक बार इसमें थोड़ा सा लोई डाल के देख लें कि फ्लेम सही है कि नहीं, इसका आंच बहुत तेज तो नहीं है, ठीक है मीडियम है। अब समोसे फ्राई कर लेते हैं। यही हमें पेशेंस रखना है बहुत ज्यादा से तलते वक्त। और कुरकुरे होने तक इनको तल लें, ब्राउन कलर के हो जाए अच्छे से, बीच बीच में इनको पलटते जाएं अच्छे से। जितना आटा हमने लगाया था उसमें 7 समोसे बन जाते हैं इस साइज के जो हमने लिए हैं। बीच बीच में इसको देख लें, पलटते जाएं जिससे एक तरफ से ऐसा नहीं हो कि ज्यादा सिक जाए और दूसरी तरफ से कम। बस इसी में ही धीरज रखना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट में आपने इसको फ्लेम में आप तल लें। ये हमारे समोसे लगभग तैयार ही हैं, थोड़े सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इनको बाहर निकाल लें, ये हो चुके हैं एक टिश्यू पेपर में। अब इनको हम सर्व करते हैं। यहाँ मैंने इमली की चटनी, सौंठ और हरी चटनी का सर्व किया, आप चाहे तो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लीजिए हमारे ये समोसे तैयार हैं।